ये कहना बिल्कुल सरासर गलत है और इसमें बिंद छेद का अपमान है। 2013 में सब अंचलों से ज़्यादा कांग्रेस के विधायक बिंद से आए थे, किसी भी संभाग में 12 विधायक कांग्रेस के झोली में नहीं आए जो 13 वाले चुनाव में आए थे। 18 को जो चुनाव हुआ उसमें किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है कि गिनती के किस दिन कितने दिन पहले कौन बांधवगढ़ में डेरा डाले हुए था और क्या क्या हुआ। बिंद के लोगों के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ, उसके बावजूद मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। अब चल न पाई, इसके लिए बिंद क्षेत्र की जनता के ऊपर ठीकरा फोड़ा जाए ये कतई उचित नहीं। यहाँ के कार्यकर्ताओं का, यहाँ की जनता का मनोबल ऐसी बातों से गिरता है। हाँ, थोड़ा संयम रखे मामले में, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे अजय सिंह हो, चाहे जो हो, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिनसे बोलने से कुछ तकलीफ हो जाती है और भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे मौक़ों की तलाशी करती रहती है, हम क्यों मौका दें। कहा जा रहा है कि जो आंकड़े